इंडिया मिशन के तहत चंडीगढ़ में फ्री ब्यूटी एंड वेलनेस हेल्प डेस्क व हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। एनआईवी की द्वारा लॉन्च की गई यह स्कीम चेयरमैन जयवीर सिंह कटारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इंस्टीट्यूट 2004 से भारत के युवाओं को पंख प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यरत है। 50 लाख की स्कॉलरशिप से क्षेत्र में ब्यूटी व वेलनेस में करियर की संभावनाएं तलाश रहे युवाओं को मिलेगी राहत। और आज स्कॉलरशिप की स्कीम के उद्घाटन के मौके पर पंजाबी एक्ट्रेस पूनम सूद भी पहुंची। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। न्यू मिस इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जिदी ओपनिंग ते अज मैं आई हाँ, तो बहुत वधिया भी लग रहा क्योंकि एक कुड़ी का ख्वाब हमेशा होंदा, चाहे वह सहुरे परिवार से जाए, चाहे वह किसी फंक्शन से जाए, या फिर कभी पार्टी से जाए, या फिर साड़ी एक्टिंग लाइन हो, तो वो एक मेकअप बहुत मायने रखता। मेकअप नाल जो लुक निकल के आदि ने, तो मैंने लगता कि हर बंदा कहता यार एक कुड़ी बहुत सोहनी है, पर अगर असं सीरत की गल करिए, क्योंकि जब तक सीरत सोहनी नहीं होंगी शक्ल सूरत भी सोहनी नहीं लगती। सो सीरत सोहनी होनी बहुत जरूरी है और शक्ल सूरत बनाता इंस्टीट्यूट। और अज मैं जिस इंस्टीट्यूट आई हाँ मेरे लिए बहुत वधिया गल है, क्योंकि पूजा सिंह मैम मैंने ऑलरेडी पहले तो जानते हैं, तो असं बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हाँ। और अज जो इन्होंने अच्छ एक इंस्टीट्यूट 34 सैक्टर से खोलिया, वो बहुत ही वधिया शलाघा योग भी है, क्योंकि अजकल एक ट्रेंड भी बन चुके हैं कि हर एक बंदा चाहता कि वह एक लुक लैके नवी है ना, वो अपने आप को प्रमोट करे। तो इतने आन के तुम मेकअप तो सीख ही सकते हो, मैंने लगता है बाहर जाने लिए भी थोड़ी ऑप्शन खुल जाएंगे। मैम अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे दसो जी। मेरी मूवी उच्चा पिंड रिलीज हुई है हमने, जी कि बहुत वाहवा खट रही है, लोगों का बहुत प्यार मिल रहा। और मैंने हर एक कोई भी कॉल्स आ रही तो बहुत एप्रीशिएट कर रहे हैं मूवी को, सो सारे का प्यार बढ़िया हो। बाकी अगे प्रोजेक्ट साढ़े मेरे हमने एंथनी कालिया स्टार्ट हो रही है अध्ययन सुमन न, तो नवे नवे प्रोजेक्ट लेके आते रहेंगे। छोटा सा सॉन्ग सुना दो मैम अपने मूवी का। मूवी का सॉन्ग नहीं, क्योंकि मैं सिंगर नहीं है कि मैं छोटा सा सुना दो। मेरे सारे गाने एक्चुअली सा म्यूजिक बहुत वड्डा जानी के गाने ने, बी प्राग जी ने गाया मौला, उस तो इलावा कमल खान जी ने गाया चन्ना, भी बहुत सोहना ट्रैक है। और अफसाना जी ने आइटम नंबर दिता मैंने, वो है वा मतलब दा यार हिम्मत दा गाना, बहुत ही मोटिवेशनल है, जान कि तुहानू हर फ्लेवर इस मूवी से देखने को मिलेगा। सो गाने सारे ही बहुत सोहने ने, क्योंकि उस लैवल से तो मैं नहीं गा पाऊंगी, पर मैं सारे गाने मेरे वाला मतलब दा यार मर्जी नाल करदा ए प्यार, मेरे वाला मतलब दा यार। सो ये गाना, क्योंकि मैंने गाना नहीं आता, मैं पर भी तुम सुना देता, आई एम नॉट सिंगर, तो मैं एज ए एक्टर ही हाँ। हाँ डायलॉग सुनना होता तो मैं डेफिनेटली कहती हाँ मैं डायलॉग सुना देती हूँ। चलो कोई नहीं, डायलॉग सुना दो मैं तुझे अपने। मेरी मूवी का एक डायलॉग बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा कि जो कोई रिवॉल्वर चकदा तो वह जो बॉयफ्रेंड है वो रिवॉल्वर चकदा तो हमेशा कहती है ना कि तू ये कम ना करया कर, तो वह कहना मैं तेनों तेरा कम रोकने तो कभी मना किया, तो वह बहुत सोहना जवाब से मेरा कम किसी की जान नहीं लगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।